हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी जो है मैं बना रही हूँ, खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने गैस पे कढ़ाई रख दिया है, ऑयल चढ़ा दिया है और आज मैं बनाने वाली हूँ पालक पनीर। तो ऑयल ज़्यादा हो गया था तो वो मैंने निकाल दिया कढ़ाई में से, मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा डल गया था और थोड़ा सा मैंने निकाल दिया है उसमें से। तो अब पालक वगैरह मैंने उबाल लिया था पहले ही, उसके बाद मैंने दो तीन प्याज ली थी उनको चॉप कर लिया था और अब मैंने टमाटर ले लिए हैं जिनको मैं मिक्सी में पीस लूँगी। और प्याज को मैंने पीसा नहीं था, उनको मैंने सिर्फ चॉप कर लिया था और लहसुन अदरक को मैंने पालक के साथ ही उबाल दिया था, तो वो भी मैंने इसमें नहीं डाला है। वो मैंने लहसुन अदरक पालक के साथ ही उबाला हुआ है और उसको ठंडा करने के लिए अभी रखा हुआ है। और इसमें मैंने टमाटर का पेस्ट डाल दिया है, एक टमाटर बड़े टमाटर का मैंने पेस्ट बनाया था वो डाल दिया है। और अब इसमें रेगुलर मसाले डाल दूँगी जो भी डालते हैं, हल्दी पाउडर ज़रा सा ही डाला है क्योंकि पालक पनीर बनाना है तो उसमें आप ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं हल्दी, मैं थोड़ा सा यूज़ करती हूँ तो मैंने डाल दिया, थोड़ी सी लाल मिर्ची और बस नमक डाल दिया है थोड़ा सा और इन सबको मिक्स कर दिया अच्छे से, मसाला भून गया था। उसके बाद मैंने पालक का जो पेस्ट बनाया था वो भी डाल दिया था इसमें और अब इसको अच्छे से खदका रही हूँ। थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दिया है इसमें और पनीर अपना जो मैंने कट करके रखा है वो इसमें डाल दूँगी। तो ये देखिए ये डाल दिया है मैंने इसमें पालक पनीर, बहुत ही अभी इसको पकाना है मुझे, अभी 5-7 मिनट और पकाऊँगी अच्छे से इसको। तब ये देखिए हमारा जो है पालक पनीर मैंने 5-7 मिनट पका लिया था और ये अच्छे से पक चुका है। उसके बाद मैंने गैस को ऑफ कर दिया था और इस हांडी में मैं इसको निकाल रही हूँ जो चीनी मिट्टी की बनी हुई है। तो बीच बीच में इसमें मैंने पनीर भी डाल दिया है क्रश करके और सारा मैंने कढ़ाई में से इसको निकाल लिया है और इसमें डाल दिया है हांडी में। तो क्योंकि कुछ भी अच्छी चीज़ बनाते हैं ना उसको अच्छे से सर्व करें अच्छे से बर्तन में तो और ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में भी। और ऊपर से मैंने क्रश करा हुआ पनीर डाल दिया है। तो ये हो गया हमारा पालक पनीर रेडी और बस अब जो है मुझे रोटियां बनानी है गरम गरम, तो रोटियां बना लूँगी। उसके बाद सारा काम करने के बाद फिर हमारा जो है ये पाम ट्री लिया था हमने तो उसको मुझे पॉट में लगाना था, रात को लेकर आए थे तो रात को मुझे टाइम नहीं मिला और फिर मैंने पेड़ को हाथ भी नहीं लगाया रात को क्योंकि पौधे जो है सो जाते हैं रात को, तो इसलिए मैंने उसको अब लगाया। पॉट मेरे पास पहले से ही रखा हुआ था काफ़ी दिनों से लेकिन ट्री नहीं था। और ये मेरे मनी प्लांट जो कि मैं कभी पानी में लगा देती हूँ कभी मिट्टी में लगा लेती हूँ लेकिन होते बहुत अच्छे से हैं, पानी में लगाऊँ या मिट्टी में काफ़ी अच्छे से हो जाते हैं। तो ये एक पॉट है, ये भगवान बुद्ध जी का है तो ये प्लांटर के लिए ही है, इसलिए मैंने इसमें अपना जो है मनी प्लांट लगा दिया जो हमारे डेकोरेशन का काम करेगा। तो ये देखिए मैंने इसको क्लीन भी कर दिया है इसमें मिट्टी भर के और उसमें मैंने मनी प्लांट लगा दिया है। तो ये जो मैंने पाम ट्री लगाया है उसमें ऊपर से मिट्टी मिट्टी दिख रही है क्योंकि ये मुझे अपने जो है ड्राइंग रूम में रखना है तो इसलिए मैं इसमें थोड़े से जो ये रखे हुए थे मेरे पास स्टोन रखे हुए थे तो वो मैं इसमें डाल रही हूँ और बस काफ़ी अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। तो ये देखिए लाइटिंग वगैरह लगाकर फिर हमने जो है न्यू ईयर सेलिब्रेट करा था रात को 12 बजे, तो उसी की मैं आपको दिखा रही हूँ लाइटिंग वगैरह लगाकर। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं ऐसी चीज़ें देख के, तो बच्चों के लिए ही जो है ये किया था। और तो बस यहीं तक था आज का मेरा वीडियो, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।